राजधानी के जालूपुरा थाना इलाके में एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का एक मामला सामने आया। हालांकि ये मामला दर्ज होने के बाद भी युवती अपने बयानों से मुकर गई। दरअसल दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने दिल्ली निवासी सलमान के खिलाफ दुष्कर्म का एक मामला दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता और सलमान इवेंट कंपनी में साथ साथ काम करते हैं। सलमान ने पीड़िता के साथ शादी का वादा कर जयपुर के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में सलमान ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पीड़िता ने जालूपुरा थाने में सलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन मामला दर्ज होने के महज 5 घंटे बाद ही पीड़िता एक बार फिर से थाने पहुंची और सलमान के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर अपने बयानों से मुकर गई। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। परसों शाम को एक युवती 25 वर्षीय युवती ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी, अपने साथ दुष्कर्म होने की रिपोर्ट थी। हमने 10 मिनट में मुकदमा दर्ज किया उसका और तफ्तीश की गई उसके बारे में। उसने सलमान नामक युवक के खिलाफ उसने रिपोर्ट दी थी। ये लड़की दिल्ली की रहने वाली थी और लड़का भी दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन ये लड़की 5-6 घंटे बाद ही वापस आ गए अपने बयानों से मुकर गई कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ और मेरा मुकदमा वापस ले लिया जाए, इस तरह की बयान दिए।